Hi guys, good evening and welcome to India Studies platform. Welcome to Bharat Studies platform and I am really looking forward to this session कि आज का session जो है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होने वाला है guys, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पैराजम्बल back to back पैराजम्बल के questions और questions guys easy नहीं है. अब मैं easy question रख ही नहीं रही हूँ किसी भी session में, whether it is morning, whether it is evening, whether it is night, कोई भी session हो आसान नहीं हो, क्योंकि बहुत आसान question के हम लोग practice कर चुके हैं. अब चुटकियों वाले खेल तो हो चुके हैं, तो अब थोड़ा दिमाग लगाने वाले questions है और उसी में आज हम लोग करने वाले हैं पैराजम्बल के questions. कैसे हैं आप सभी जल्दी जल्दी बता दीजिए. एंड यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं जो लगातार बर्थडे के भी हैं, तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल कि आप सभी ने इतने सारे लवली वर्ड्स मुझे भेजे. फॉर ऑल योर सुपर्ब एंड लवली विशेस, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट. एंड आई वुड से हियर कि अब रुकना नहीं है. देखो, आई एम टीचिंग यू ऑन दिस डे, आई डिड सेलिब्रेट, बट I am there also, right? तो आपको भी यही करना है, अभी चाहे कुछ भी हो अभी नहीं रुकना है. ये टाइम नहीं है रुकने का, ये टाइम इधर उधर जाने का नहीं है. आपके सामने आपका फोकस होना चाहिए, जैसे मेरे सामने है आप और आप है मेरा फोकस, और इसी की तरह आपको रखना है अपना फोकस हमेशा सामने. बिल्कुल अर्जुन बन जाइए, उसकी आंखें नज़र आनी चाहिए चिड़िया की, और कुछ नज़र नहीं आना चाहिए. उसी तरीके से आपको नज़र आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो वाला लेटर जिसमें आपका नाम हो, बस और कुछ नहीं. तो ऐसा रहेगा तो हमेशा आप लोग सक्सेसफुल होंगे, और बस इतना ही करना है आप सबको और कुछ और नहीं करना है. चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन से. क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर आ रहा है अब, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके स्क्रीन पर. टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करने का, सिंस इट इज रियली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच. चलिए अब क्वेश्चन को पे ध्यान दे दीजिए, पूरा फोकस आपका आपके क्वेश्चन पर होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर वन आ गया और मैं यहाँ उम्मीद करूंगी कि आप सब इसको पढ़ के पूरा अच्छे से डिटेल में आंसर करें इसको. देखिए क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शंस सबसे पहले देखने होते हैं. ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सारे के सारे ऑप्शंस ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी स्टार्टिंग हमारा ए है, ये तो कंफर्म है. अब ए के बाद बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, बस इतना आप लोगों को देखना है. नहीं ई, हाँ हाँ हाँ, ये देखना है सबसे पहले. एज द नाइट एडवांस, जैसे ही नाइट बढ़ती गई, स्वामी फियर डिपेंड, स्वामी का फियर जो है वो डिपेंड होता गया, बढ़ता गया, ठीक है. He began to think, यहाँ पे ये स्वामी के लिए है, the most haunting was how his friend money had the most haunting, सबसे ज़्यादा डराने वाला ये था यहाँ पे. तो कौन सी चीज़ उसको डरा रही थी, अभी नहीं आया. He began to think of all the ghost stories, वो सोचने लग गया सारी की सारी घोस्ट स्टोरीज के बारे में. तो कौन सी उसमें से सबसे ज़्यादा डरा रही थी, वो ये थी. तो ए के बाद सी आएगा, ये हमें पता चल गया. सी के बाद बी आएगा, आइए देख लेते हैं ए सी कहाँ है. यस, बिल्कुल एग्जैक्टली ए सी के साथ बी आ रहा है, तो राइट आंसर आपके सामने डी इसका राइट आंसर है, ए सी बी डी. ठीक है सभी को थैंक यू सो मच गाइज. अब मैं लास्ट में सबको एक बार फिर से मैसेज करूँगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग आते रहेंगे, पर क्वेश्चंस क्योंकि आज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा टाइम भी देना है, तो हम लोग थोड़ा सा चैट्स कम ध्यान दे पाऊँगी मैं, तो थोड़ी सी बातें हमारी उतनी नहीं हो पाएंगी. बट मुझे पता है कि आप सब दिल से बहुत खुश हैं और बहुत सारे विशेस कर रहे हैं, तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल. चलिए बने रहिए इसी के साथ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है. जिस जिसका सही है पहला, फोर हो गया है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एक बारी ताकि पता चल जाए. पैराजम्बल है गाइस, पैराजम्बल. स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फाइव आएंगे, है ना. स्टेनो में फाइव आते हैं, सीपीओ में अभी मेंस में 10 आते हैं, और इसमें सीचेसल और सीजीएल में दो दो आते हैं, ठीक है. तो हर जगह इंपॉर्टेंट है. सीजीएल मेंस में 20 आते हैं, सीपीओ मेंस में भी 20 आते हैं, है ना. तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे.
चलिए जल्दी से प्रिपेयर आंसर करिए इस क्वेश्चन का. मदर टोल्ड मी दैट आवर नेबर्स हैड अ डॉटर ऑफ माय एज. ए से शुरुआत हो रही है. मदर ने कहा जो हमारे नेबर्स हैं उनके उनके डॉटर हैं बिल्कुल मेरे ही एज की. अब आई वॉन्टेड आई वॉज दोनों ही एक जैसे हैं, है ना. तो दोनों का जो है आई सी के लिए आया है. बिफोर आई कुड डू सो मैं ऐसा कर पाती. कैसा ये नहीं बताया गया. तो ए के बाद डी तो डेफिनेटली नहीं आएगा. अब या तो आएगा सी या फिर आएगा बी. दो ऑप्शन में बी है. एक बार देखते हैं. आई वॉज बी नहीं आएगा. आई वॉन्टेड टू रन आउट एंड मीट हर. इसमें पहले लिखा हुआ आई वॉज ओवर जॉइड टू हियर दैट. मैं बहुत ज़्यादा ओवर जॉइड हो गई थी, खुश हो गई थी इसको सुनकर. ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए सी होगा और ए सी ऑप्शन एक ही है. तो ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया. राइट आंसर ए सी बी डी. पेयर अगर बना लोगे तो आंसर को पा लोगे, बस इतना ही है, है ना. क्या करना होता है हमारे पैरा जंबल में, पेयर बनाओ आंसर पाओ. ठीक है, अब है ना इसमें आज के क्वेश्चन में स्टार्टिंग तो ढूंढना ही नहीं है. स्टार्टिंग आपके पास गिवन है, एक काम तो आपका ऑलरेडी हुआ हुआ है. स्टार्टिंग दी हुई है, बस पेयर बनाओ आंसर पाओ, है ना. एलिमिनेट करिए, उसके बेसिस पे आंसर आते रहेगा. अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. सेकंड हमारा हो गया. थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. ये रहा थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए आंसर पाइए जल्दी से. और जिसका सही होते जा रहा है प्लीज थम्स अप जरूर करिएगा. लाइट्स आर प्रॉपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अहिंसका, अहिंसका नाम है ना यहाँ पे. हैड बीन द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिसाइपल एट तक्षशिला. ठीक है, एज अ रिजल्ट. अब एज अ रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको पता है एज अ रिजल्ट जनरली बाद में आता है. एज अ रिजल्ट बाद में आता है. यहाँ पे ACDB है, हो सकता है ये आंसर हो, अभी नहीं पता. अहिंसका हैड बीन द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिसाइपल. बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग डिसाइपल था अहिंसका. His guru was so impressed with him. उसके गुरु से इतने ज़्यादा impressed हुए that he asked other disciple to emulate. Emulate करना, mimic करना, copy करना, imitate करना होता है. ठीक है, तो copy करने के लिए उसको कहा. This made some of them very jealous. और इससे सारे बहुत सारे लोग क्या हुए, उससे बहुत ज़्यादा jealous हो गए. ठीक है, तो A के बाद हमारा क्या हो रहा है. A के बाद हमारा हो रहा है C एंड C के बाद हो रहा है D और D के बाद ऑब्वियसली B होगा जो हमने सबसे पहले चुना था. मैंने बिल्कुल बिना पढ़े आपको बताया था. देखो गाइस ये एज अ रिजल्ट आ रहा है. रिजल्ट आ जाए, फाइनली आ जाए, देयरफॉर आ जाए तो हमेशा जो हमारा ये वाला ऑप्शन होता है ये लास्ट में होता है. इसी को ध्यान रखते हुए राइट आंसर मैंने क्या किया है, मैंने राइट आंसर ACDB किया है. आप उसको पूरा पढ़ लोगे तो भी आप पा लोगे कि राइट आंसर हमारा यही होगा, इसके अलावा नहीं होगा. ठीक है, जिसको पार्टी चाहिए वो आ सकते हैं हमारे स्टूडियो में राइट नाउ. ठीक है, और राइट नाउ पार्टी मिल जाएगी आप लोगों को, क्योंकि पार्टी यहाँ पे चल रही है और पार्टी चलती रहेगी जब तक आप आते रहेंगे. जिस जिसको चाहिए वो सीधे सीधे आ जाए एकदम. ठीक है, चलिए हाँ. अहिंसका नेम है ना, तभी तो आगे दे ही ये सब कुछ आ रहा है. हिज गुरु है ना, उसके गुरु. तक्षशिला के पुराना नाम है अहिंसका. ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में. अगर आंसर सही हो गया तो भाई थम्स अप जरूर करें, कंसेप्ट आपके लगने चाहिए पूरे के पूरे. अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने नंबर 4. पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा. ऑप्शंस ए से ही स्टार्ट है सारे, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं है आपकी. स्टार्टिंग किससे होगी, राइट. बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए. टू मीट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो टू मीट यहाँ पे क्या होगा. देखो ऑप्शन से प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स, अश्योरेंस और टास्क, है ना. तो जो हमारा ये जो वर्ड है मीट, मीट के हिसाब से होगा. आई हैव कमिटमेंट्स टू मीट, आई हैव प्रोमिसेस. प्रोमिसेस के साथ हमेशा कीप आता, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. तो प्रोमिसेस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपने आगे मीट लिख दिया है यहाँ पर, है ना. प्रोमिसेस कट गया. टास्क हो सकता है, टास्क से मिलना यानी करने हैं, ये वाला आंसर इसमें हो सकता है. कमिटमेंट्स भी नहीं होगा, प्रॉमिस कमिटमेंट टू कीप होता है. ओके चलिए आगे चलते हैं.
ये रहा आंसर आपके सामने. आई हैव समथिंग सीरियस टू टेल यू, आई वॉन्ट टू पे अटेंशन. मेरे पास कुछ है बहुत सीरियस सा आपको कहने के लिए और मैं चाहती हूँ आप अटेंशन पे करें. ठीक है, इसमें लिखा हुआ आई विल फाइनली, ये फाइनली है तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लास्ट में होगा. अगले वाला, इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू आर रोलैंड फैमिली. ये रोलैंड फैमिली के मैटर का इंपॉर्टेंट मैटर है. एक मिनट, शायद दिख नहीं रहा कॉर्नर से, है ना. इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट नाउ व्हेन इट कंसर्न द फॉर्च्यून्स ऑफ द होल फैमिली. इवन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया, इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और यहाँ पे क्या बोला गया, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कब? जब ये पूरी फैमिली के फॉर्च्यून का सवाल है. यहाँ पे फैमिली का नाम बताया और यहाँ पे द फैमिली कर दिया है. तो ए के बाद हमारा क्या होगा, ए के बाद होगा हमारा डी, डी के बाद होगा बी, और बी के बाद इसमें क्योंकि फाइनली आ रहा है तो फाइनली वाला हमेशा लास्ट में होता है. ए डी बी सी इज द राइट आंसर. ठीक है, क्लियर हुआ आंसर, सही हुआ क्या सबका? राइट आंसर ए डी बी सी है. जिस जिसने ए बोला है थम्स अप कर दीजिए, और जिस जिसका गलत हो रहा है हार नहीं माननी है. एक क्वेश्चन गलत होगा, दो गलत होगा, तीन गलत होगा, जब फोर्थ में आओगे थोड़ा 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 करके आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी और आप फिर ठीक करते जाओगे. बस इसी के साथ आगे करते जाओ और ठीक होता जाएगा, क्योंकि पैरा जंबल है गाइस. एक बस एक कर लिया और प्रैक्टिस हो गई, बिल्कुल नहीं, ये नहीं. जितना आप अपने आप को घिसोगे ना उतना ज़्यादा चमकोगे. तो पहले घिसो फिर चमकने के लिए तैयार हो जाओ. आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर. आ गया है आपके सामने फिर से, स्टार्टिंग सब में ए ही है, बस मिला के देखिएगा किसका किससे मिल रहा है. एकदम सामने आपके रखा हुआ है, साइड हो जाती हूँ, दिखाई देना चाहिए. जिसका सही है वो प्लीज थम्स अप जरूर करें. ठीक है, जिस जिसका सही है वो थम्स अप जरूर कर दें. ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन. हिज फेस वॉज वेरी पेल, उसका फेस बहुत पेल लग रहा था. पेल यानी क्या होता है, जब कोई बीमार होता है ना गाइस, तब उसका दुख से मतलब परेशानी से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, दुख है, दुखी है, तो पेल हो जाता है, चेहरा लटक जाना उसको बोलते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं. एंड देर वर डार्क एरियाज अंडर हिज आइज, उसकी आंखों के नीचे बहुत डार्क एरियाज थे, मतलब डार्क सर्कल्स थे. फॉर अ वाइल आई सैट क्वाइटली बाय हिज बेड वॉचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर, थोड़ी देर के लिए मैं उसके बेड पे बस बैठ गई. बट आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट फॉलोइंग वॉट आई वॉज रीडिंग. अब इसमें बोला गया क्या मैं रीड कर रही थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था. अभी दो में तो पेयर बन सकता था, लेकिन इसमें रीडिंग आ गया है ना, तो रीडिंग का पेयर नहीं है. यानी कि इसमें देखो देन आई स्टार्टेड रीडिंग है, तो डी सी का पेयर बनेगा. ए बी का पेयर तो था, लेकिन आपको डी सी का पेयर भी देखना है. तो डी सी का पेयर कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, है ना. तो ए से स्टार्टिंग होगा, डी सी का पेयर होगा. दो चीज़ें काफ़ी हैं आपको आंसर पाने के लिए. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी इज द राइट आंसर. ए का पेयर बी से बन रहा है और डी सी का पेयर हमने पढ़ के देखा, तो ए बी डी सी इज द राइट आंसर हो गया है. एकदम सही. फाइव का राइट आंसर टू नहीं हुआ है, क्योंकि डी सी का पेयर है. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रीड करना, बट मैंने देखा वो नहीं फॉलो कर पा रहा था उस चीज को जो मैं रीड कर रहा था या रही थी, है ना. तो राइट आंसर ये होगा. ठीक है, चलिए. अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज होता है अ लॉट ऑफ. आपके दो ऑप्शन में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ, दिखाई नहीं दे पा रहा है मुझे कि आपके दोनों ऑप्शंस क्या हैं. तो थोड़ा सा क्लियर लिख दो या फिर देख लीजिए. अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज होता है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लो. ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं. अब पढ़िए. चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं. इन लेस देन 10 मिनट्स द टू यंग मैन फाउंड द वे दैट लेड टू द क्लिफ टॉप. 10 मिनट से भी कम समय में
वो जो दो यंग मैन थे, दो जो लड़के थे यंग से, उन्होंने फाइंड कर लिया द वे, एक रास्ता जो कि जाता था क्लिफ टॉप के ऊपर, जाता था सीधी पहाड़ी के ऊपर जाता था, ठीक है। इसके बाद हाफ वे अप अ लार्ज रॉक ब्लॉक देयर वे, आधा रास्ते पे पहुंचते ही उनका रास्ता जो है एक रॉक ब्लॉक ने रोक दिया, ठीक है, एक रॉक ने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया उनका रास्ता। बट देयर ट्रबल्स वर नॉट ओवर, पर उनका ट्रबल्स ओवर नहीं हुआ, दे स्टार्टेड शाउटिंग। तो अब देखो रास्ता रुक गया तो उन्होंने क्या कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, होप दैट समवन माइट हेयर देम, कि कोई उनको सुन ले, ये सोच के उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बी का पेयर डी से बन रहा है, बी डी का पेयर देखो कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें भी डी का पेयर है वो हो जाएगा। अब हाफ वे अप वो जो है सी वाला जो है वो ए के पास आ गया, ठीक है, तो ए सी बी डी राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा सा स्पीडी करवाना शुरू करूं क्या, क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी बताएं आप लोग, थोड़ा सा स्पीडी करा दूं क्या इन क्वेश्चंस को, या टाइम में ज्यादा दे रही हूं, ये बताइएगा जरूर से, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, सारे ऑप्शंस ए से हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, सारे ऑप्शंस ए से हैं, ठीक है। द शेल्व्स इन द लाइब्रेरी वर फिल्ड विद थिक वॉल्यूम्स, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज एंड अदर रेफरेंस बुक्स, जैसा कि हम इमेजिन कर पाते हैं, अगर आप लाइब्रेरी में खड़े तो शेल्व्स में आपको क्या दिखाई देते हैं, कहीं एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी हैं, कहीं रेफरेंस बुक्स पढ़े, कहीं डिक्शनरीज पढ़े, तो वही यहाँ पे बोला गया कि शेल्फ जो है वो भरी पड़ी थी इनसे, ठीक है। अब सेकेंड वाले में क्या आ गया, दिस शेल्फ, ये वाली शेल्फ कौन सी, नहीं पता, ए का बी से पेयर नहीं है, ए का बी से पेयर नहीं, काट दिया, ठीक है। रितेश फाउंड नथिंग दैट इंटरेस्टेड हिम, रितेश को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगा, अंटिल ही केम टू अ स्मॉल सेक्शन ऑन फोटोग्राफी, जब तक वो फोटोग्राफी के एक सेक्शन में नहीं आया, ठीक है, स्पीडी करा दूं, ओके ठीक है। तो ए के साथ हमारा किसका पेयर बन रहा है, सी दिखाई दे रहा है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, डी, इसमें ही लिख दिया है, ही कौन, रितेश, तो ये पहले नहीं आएगा, ए के साथ डी नहीं आएगा, तो ए के साथ पेयर किसका बनेगा, सी के साथ, दो ऑप्शन ऑलरेडी काट दिए हैं, अगर ए डी है तो वो गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए सी, ए सी बी डी इज द राइट आंसर, ए सी बी डी इज द राइट आंसर, ए के साथ बी का पेयर नहीं है, ए के साथ डी का पेयर नहीं है, इसी बात को देखते हुए तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर हमारा ए सी बी डी आ जाएगा। क्लियर है सभी को, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे गाइस, पढ़िए फटाफट, इधर उधर बिल्कुल चैट में ध्यान मत दीजिए, मैं तो ये कहूंगी चैट बंद करके पढ़ें, ज्यादा अच्छा होगा, आप ये देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पैराजंबल है, ये सिनोनिम एंटोनिम या कॉमन एरर नहीं जो आपको क्विकली आने लगे, इसको पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है, तो वही स्पीड करें एकदम, ठीक है। चलिए सारे ऑप्शन ए से स्टार्ट है, ए पढ़ते हैं, although he was successful in international industries, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, जॉर्ज वॉज स्टिल नॉट अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, हालांकि इंटरनेशनल इंडस्ट्री में था फेमस, पर वो नहीं था, ठीक है। सो इसलिए जॉर्ज नेवर हैड एनी डिफिकल्टीज विद हिम, अब यहाँ पे हिम आ गया, हमें नहीं पता हिम कौन है, ए के साथ बी का पेयर नहीं होगा, काट दो उसको, ठीक है। यूजअली ही डिड नॉट हैव मच टाइम टू गो थ्रू अ स्पीच, बट द स्पीच राइटर रोट clever things for him, right? अब उसके पास इतना time नहीं होता था speech को पढ़ने के लिए, लेकिन speech writer जो है वो लिख देता था इसके लिए clever things। अब speech writer के पहले the लिखा हुआ है, तो the मतलब कब आता है, the जब कुछ चीज पहले introduce हो चुकी है, तो अब हमें B में ऐसा कुछ मिला नहीं, C में ऐसा कुछ नहीं मिला, अभी D और देख लेते हैं, तो C भी इसके साथ pair नहीं हो सकता, D, he began to have speeches written for him by a special speech writer, इसमें a speech writer आया है, तो A के साथ D आएगा, ये तो हमें definitely पक्का हो गया। अब C B का जो है हमारा वो pair क्या होगा, अब देखो इसमें आ गया a speech writer, तो इसके बाद दस स्पीच राइटर हो गया, तो एडीसी और सी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, एडीसी भी है यहां पर, एडीसी भी है, तो राइट आंसर हमारा एडीसी भी जो है इसका थर्ड, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडीसी भी एकदम सही है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, एडी का पेयर बन रहा था, है ना, और सी में देखो स्पीच राइटर उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख देता था, इसलिए उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी उसके साथ, और वो उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट करता था, कहानी की तरह समझ सकते हो, पर इसको अगर हम ट्रिक से देखें तो
देखो इसमें द स्पीच राइटर और इसमें आ स्पीच राइटर, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसलिए जॉर्ज को उसके साथ कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी, तो ऑब्वियसली लास्ट में आएगा। सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हमारा हो गया है ए डी सी बी, दैट इज थर्ड पार्ट। ओके, बाकी सब गलत हो गए। इसी के साथ अगले पे बढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन हो गए, कितने सही हुए कितने गलत हुए ये जल्दी से आप लोग बताइए मुझे। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्विकली पढ़िए क्विकली, ठीक है, जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। एकदम इधर उधर बातों में ध्यान मत दीजिए गाइस, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप सी एच एस एल इसमें लगा रहे हैं, पैरा जम्बल में लगा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये रहा, पेयर बनाओ जल्दी जल्दी, तब जाके सही से बनेगा, है ना। और जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को, अगर आपको लगता है सेशन अच्छा है, लाइक करने लायक है, यार 100 लाइक्स भी नहीं पहुंचे अभी तक, बताइए। और आप लोग आजकल शेयर भी नहीं करते, इतना इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन होता है, थोड़ा सा शेयर थोड़ा सा लाइक जल्दी से कर दीजिए। आइए, टू स्पेंड द वेटिंग आवर्स एट द एयरपोर्ट आई वॉक्ड इनटू द बुक स्टोर एंड बॉट सम मैगजीन्स, मैंने वेटिंग आवर्स को स्पेंड करने के लिए बुक्स और मैगजीन्स खरीद लिया, ठीक है, ए में हमने पढ़ लिया। इट वॉज पार्था एन ओल्ड फ्रेंड, मैं अभी मैगजीन खरीदी, किसी पर्सन का कोई मेंशन नहीं, ए के साथ बी नहीं आएगा, ठीक है। आई हैड हार्डली टर्न अ फ्यू पेजेस ऑफ अ मैगजीन, मैंने मैगजीन के कुछ पन्ने पलटे ही थे, व्हेन आई फेल्ट अ हैंड ऑन माय शोल्डर, मेरे शोल्डर पे हैंड आ गया। तो सी का कनेक्शन बी से है, सी के साथ ही तो बी आएगा, हैंड आया और वो हैंड किसका था, इट वॉज पार्था, ठीक है। सी बी का पेयर है, सी बी का पेयर इसमें नहीं है, सी बी का पेयर इसमें नहीं है, दो में सी बी का पेयर है, बस अब इतना है। डी कहाँ आएगा, पहले या बाद में। देन आई फाउंड अ कंफर्टेबल सीट एंड सेट डाउन टू रीड, उसके बाद में बैठी पढ़ने के लिए, राइट। तो बुक खरीदी, ठीक है, बैठी पढ़ने के लिए, खोले ही थे कि कोई आ गया, कौन था वो, मेरी फ्रेंड थी, क्लियर। तो ए डी सी बी इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। बोल के पढ़ना चाहिए या मन में, ये एंटायरली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इतना तेज भी नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम में दूसरे बोले कि भाई डिस्टर्ब कर रहे हो, इतना बोलो कि आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए डी सी बी इज द ओनली आंसर विच इज राइट। अगले प्रश्न में पहुंचेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये रहा। मार्क्स बता दीजिए जल्दी जल्दी, ये रहा, क्विकली पढ़िए। अगला वाला, और फिलहाल तो आप चिल्ला भी सकते हैं, जैसे मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ती हूँ ताकि आपको सुनाई आ जाए, आप भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ो ताकि मुझ तक आवाज आ जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। जॉर्ज रॉबिन्सन वॉज एम्बिशियस, जॉर्ज रॉबिन्सन एम्बिशियस थे बट नॉट वेरी क्लेवर व्हेन ही वॉज एट स्कूल एंड ही लेफ्ट व्हेन ही वॉज 16, और स्कूल उन्होंने 16 के समय ही छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा ए हो गया यहाँ पर। Soon without any struggle he had a shop of his own, अपनी खुद की दुकान हो गई अपनी, है ना, अपनी दुकान हो गई soon, जल्दी। पर यहाँ पे कोई जिक्र ऐसा कुछ आया नहीं, तो A का B से कोई पेयर होगा ऐसा लगता नहीं है। At first देखो सबसे पहले ऐसा हुआ, he did not know what to do, उनको नहीं पता क्या करना था, but then he started selling cheap toys in the street, cheap toys उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, एंड इट सून बिकेम क्लियर दैट ही वॉज अ क्लेवर बिजनेस मैन, तुरंत ही उनको पता चल गया भैया मैं तो अच्छे से बिजनेस कर लूंगा, मेरे को आता है ये, ठीक है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही ओन थ्री बिग शॉप्स, तीन बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, तो पहले एक शॉप इनकी खुद की बनेगी, तब ना तीन दुकानें होंगी, यानी बी डी का पेयर होगा। और ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद होगा सी, क्योंकि बोल रहा है ए पहले शुरुआत में तो आइडिया ही नहीं था कि क्या करें क्या ना करें, तो ए के साथ सी और बी डी, ऐसा कोई ऑप्शन है, एसी, एसी का पेयर यहां नहीं है, यहां नहीं है, अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखते तो तुरंत से हमारा आंसर आ जाता, एसी बी डी इज द राइट आंसर, एसी बी डी इज द राइट आंसर। जिस जिसका एसी बी डी आया है जल्दी से थम्स अप करने का, क्विकली करो थम्स अप, ठीक है। और आज तो ज्यादा आपको पहुंचाने चाहिए, इतने शेयर मारने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आज तो बर्थडे है ना मेरा, विश कर रहे हो आप लोग लगातार, तो एक गिफ्ट तो दे दो बहुत सारे लोगों को बुला बुला के यहाँ पर, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला वाला चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये सबका सही होना चाहिए भाई, इसी इसी प्रण के साथ करिए इस क्वेश्चन को, बहुत हो गया नाटक, आप सही करना है ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन, आंसर करिए। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन, अरे ये तो सी से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन में सी लिखा हुआ है इसलिए अब मैं पढ़ूंगी सबसे पहले सी। सी में क्या लिखा हुआ है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द oldest stone structures in India and an important monument of Indian architecture. और ये Indian architecture का भी बहुत बड़ा important monument है ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, C में पढ़ लिया ठीक है। अब C से beginning होगी ये पता चल गया। Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha. बुद्धा के जो relics थे जो बच गए थे उनके ऊपर बना दिया गया था hemispherical brick में nucleus इसका, है ना, मंदिर की बात कर रहा है। द ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, द ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर, यानी मुझे पता है कि डी के बाद बी आएगा, ये मुझे पता चल गया। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय द एम्परर अशोका इन द 3rd century। यहाँ पे अशोका ने क्या करा, ग्रेट स्तूपा एट सांची को कमीशन करवाया, यहाँ पे बोल रहा है कि कब कब हुआ, तो सी के बाद ए आएगा और डी बी का पेयर बनेगा, ये हमें पता चल चुका है। तो सी ए डी बी है यहाँ पे, बिल्कुल आ गया है सी ए डी बी, जो कि हमारा राइट आंसर है। सी ए डी बी किस किस का राइट हुआ है, सीपीओ मेंस की लॉन्च कर दे, 200 क्वेश्चंस आते हैं गाइज वहां पे। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी ए डी बी इसका राइट आंसर हो गया। चलो जिस जिसका सही है थम्स अप कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको सही करना है। ये क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन 2 पेज में है, अरे यार ये रहने देते हैं, 2 पेज में ये नहीं कर पाओगे आप लोग, समझने में दिक्कत आएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे। ठीक है चलिए, पढ़िए क्वेश्चन करिए। देखिए ऑप्शन सब बदल गए हैं, अब सारे ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम सी पढ़ लेंगे है ना। सी में क्या लिखा हुआ है, वाइल सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज द सैक्सोफोन इज अ रिलेटिव रीसेंट इन्वेंशन। कि हालांकि ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत पुराने हैं, पर सैक्सोफोन जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी जिसका कि यहाँ पे इन्वेंशन हुआ है। तो सी से बिगिनिंग हो गई, अब सी के बाद डी या ए, या डी या ए, या तो डी आएगा या ए आएगा, यानी बी नहीं आएगा ठीक है, इसको पढ़ना क्यों है। इट वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू कंबाइन अ रीड विद अ ब्रासवेल, ये पहला इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जिसको जिसमें कि रीड को ब्रासवेल से कंबाइन किया गया था। सैक्सोफोन के बारे में बात हो रही है, द फर्स्ट सैक्सोफोन वॉज पेटेंटेड बाय एंटोइन जोसेफ सैक्स इन पेरिस इन 1847। देखो यहाँ पे बोला गया पहला सैक्सोफोन था और यहाँ पे बोला गया इसको पेटेंट कब किया गया, 1846 में पेटेंट किया गया ठीक है। तो पहले इसके, अब यहाँ पे भी द फर्स्ट सैक्सोफोन है, यहाँ पे भी द सैक्सोफोन है और यहाँ पे इट वॉज है, तो पहले ये आया फिर ये आया और फिर ये आया, तो सी आएगा फिर डी आएगा फिर ए आएगा, बी को तो हमने लास्ट में रख देना है, तो सी फिर डी फिर ए बी ये आ रहा है, तो सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी डी ए बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए राइट आंसर हमारा सी डी ए बी हो गया है, इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा, और बहुत अच्छे से करिए एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से मैं टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, और इतना ही टाइम गाइज एग्जाम में भी इतना ही टाइम लगाना है इसलिए इतना ही टाइम दे रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो दे आर लो इन न्यूट्रंस, अच्छा ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए इसमें दे लिख दिया है स्टार्टिंग में,
गलत हो गया है, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, इसलिए गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि ठीक है एक गलत भी हो गया 100 में से, कोई बात नहीं, अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट योर फाइनल एग्जाम। हताश निराश होना बहुत आसान है, लेकिन रास्ते पे चलते रहना बहुत मुश्किल है। जो चलता रहता है वो जीत जाता है, जो हताश निराश होकर बैठ जाता है वो कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ऐसे लोगों के कारण ही पार्टिसिपेट बहुत सारे करते पर जीतते कुछ ही है, पता है ना आपको। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, दो दे आर लो इन, नहीं ये तो किससे स्टार्ट होगा, डी से, द ऑनियन अ हर्बेसियस बायनल प्लांट ऑफ द एनालिसिस फैमिली, इट इज ग्रोन फॉर इट्स एडिबल बल्ब, राइट, इट इज ग्रोन फॉर इट्स एडिबल बल्ब, एडिबल बल्ब बोला जाता है, ये खाने वाला बल्ब है, बल्ब जैसा शेप का होता है ना, इसलिए बोला जाता है कि इट इज एन एडिबल, ठीक है। तो ये हमारा डी से स्टार्टिंग हो गया है, इनिशियली नेटिव टू साउथ वेस्टर्न एशिया, ऑनियंस आर नाउ ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड चीफली इन द टेम्परेट जोन्स, इसमें मैंने पढ़ लिया डी के साथ, सी मुझे अच्छा लगा, दे ऐड फ्लेवर टू सच डिशेज एज स्ट्यूज, रोस्टेड सूप, तो ऐड करते हैं फ्लेवर्स, दो दे आर लो इन न्यूट्रिएंट्स दे आर वैल्यूड फॉर देयर फ्लेवर, और यहाँ पे फ्लेवर की बात हुई है तो ए के साथ बी का पेयर बनेगा, तो ए बी का पेयर कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, ए बी पढ़ा मैंने और आंसर आ गया डी के साथ सी और ए के साथ बी, है ना, डी सी ए बी का पेयर बन गया, डी सी ए बी इसका राइट आंसर हो गया, ए बी का पेयर डी सी का पेयर राइट आंसर आ गया, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट में 14 का, जिस इसका सही है वो आगे बढ़ जाए भाई, अच्छा आंसर कर दिया है अगर, और नहीं करा है तो कोई बात नहीं, थम्स अप करेंगे सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन है, गलतियां करना क्या है, चलेगा यहां पर करना, कोशिश नहीं छोड़नी है, गलती करो पर बेशक कोशिश करो, करते रहो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द फ्लैश, एक मिनट, किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी पढ़ेंगे, द कोकोनट इज अ फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम, अ ट्री ऑफ द पाम फैमिली, पाम फैमिली का ट्री है कोकोनट, ओके। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द फ्लैश है इसमें, है ना, द फ्लैश है तो फ्लैश की बात कहाँ हो रही है, फ्लैश के अलावा ढूंढ लेते हैं, फ्लैश यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सी के बाद ए आएगा ही आएगा, सी ए का पेयर है, अब सी ए का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी स्ट्रांगली चांसेस है कि हमारा राइट आंसर बी डी सी ए हो जाएगा, लेकिन बी डी सी ए हो जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग जरूर देखेंगे कि बी डी सी ए इसका राइट आंसर है, इसके लिए हमने बी तो पढ़ा हुआ है, डी पढ़ लेते हैं। कोकोनट्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड समवेयर इन द इंडो मलाया एंड आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, तो यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, यहाँ पे बोला गया पाम फैमिली से वो करता है निकल के आता है, और डी में इसमें बोला गया कि उससे का जन्म कैसे हुआ, तो ये दोनों हो गया, और फिर ए बी का पेयर, सॉरी सी ए का पेयर, तो बी का पेयर किससे बनेगा, डी से बनेगा और सी ए का पेयर बन जाएगा, राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया है। अगर आपका भी सेकंड है तो क्या करेंगे, थम्स अप करेंगे, और गलत हो जाए तो हताश निराश परेशान नहीं होंगे, क्योंकि गलतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। असफलता बेटा, सफलता को सब जानते हैं लेकिन उससे पहले की असफलताओं को कोई नहीं जानता, और यहाँ की असफलता ही पार्ट है आपकी सफलता की। सफलता एक बार मिलती है और असफलता उससे बहुत पहले बहुत बार मिलती है। अगर आप उन बहुत सारी असफलताओं के कारण रुक के बैठ जाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सफल होना है तो इन असफलताओं के ऊपर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, चलना मत छोड़िए, क्योंकि लास्ट में सफलता खड़ी है आपका वेट कर रही है, मिलेगा उसको ही जो चलता रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए यहां पे सारे ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं, ए पढ़ेंगे आप लोग। I knew it had not been a good idea to invite Vandana home. मैं जानती थी वंदना को घर बुलाना बिल्कुल भी ठीक आइडिया नहीं है, तो वंदना को घर नहीं बुलाना है, इसने लिखा है पहली लाइन में। अगर आपका भी कोई दोस्त हो तो बोल देना कि वंदना को घर बुलाना बिल्कुल भी न्यू आइडिया नहीं है, ऐसा इस पहली लाइन में लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भेज देना ताकि पता चल जाए उसको कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, राइट। अगला वाला, एंड
आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली कीन टू रिवील माई होल लाइफ टू अर, और मैं बिल्कुल पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं थी अपनी पूरी लाइफ उसको सामने रिवील करने के लिए, ओपन करने के लिए, अनर्दन करने के लिए, खुलासा करने के लिए. ठीक है, अगला वाला. As soon as she entered my room, जैसे ही वो मेरे रूम में घुसी, she zoomed in on the collage on the wall. वॉल पे जो कोलाज लगी थी उसने zoomed in कर लिया, यानी आंखें बड़ी बड़ी करके उसने उस कोलाज को घूरना शुरू कर दिया. जस्ट इमेजिन, एक लड़की आपके घर में है और वो एकदम आपके कोलाज को देख रही है, बस उसी को इमेजिन करो, आराम से समझ में आएगा. द कोलाज वॉज एक्चुअली माई लाइफ इन पिक्चर्स, कोलाज ही मेरे जीवन था पिक्चर्स में. तो यहाँ पे द कोलाज और यहाँ पे भी द कोलाज, सी डी का पेयर बनेगा और ए से स्टार्टिंग हुआ सी डी, है ना, तो सी डी का पेयर है, ए से स्टार्टिंग होगा. अब बी कहाँ आएगा, बी सी डी के तो बाद ही आएगा, क्योंकि इसने कहा था, और मैं तो बिल्कुल चाहती नहीं थी अपनी लाइफ दिखाना. लाइफ कहाँ से आई है, ये रही माई लाइफ, और इसने बोला मैं लाइफ नहीं दिखाना चाहती थी, तो सी डी के बाद बी आ जाएगा. ए सी डी बी है कहीं पे, ए सी डी बी, ये रहा ए सी डी बी. राइट आंसर हमारा 4 हो गया है. किस किस का हुआ है 4 डी, अरे यहाँ पे तो मेरे से पहले लोग आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना. सी डी का पेयर बन रहा है, चलो ये देख लेते हैं. यहाँ पे सी डी का पेयर नहीं है, यहाँ पे सी डी का पेयर नहीं है, यहाँ पे भी सी डी का पेयर नहीं है. अगर ऐसे देख लेते तो भी हमें समझ में आ जाता कि राइट आंसर 4 ही होगा. ये और स्मार्ट तरीका है पेयर देखने का. अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट में पूरा ऑप्शन देखिएगा, पेयर देखिएगा, आंसर पा लेंगे. ठीक है, चलो ऑप्शन देखिएगा और पेयर देखिए. सबसे पहले तो ए से शुरुआत हो रही है, ठीक है. आई लर्न्ड, मैंने सीख लिया था टू पुश, पुश करना लिली की व्हील चेयर को, मतलब घसकाना मैंने सीख लिया था. इट वॉज फन टू वॉच लिली रोल हर आइज टू वॉच द डक्स, अच्छा लगता था जब लिली डक्स को अपनी आंखें रोल करके देखती थी. आई पार्क द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड, मैंने चेयर पार्क कर दी पॉन्ड के सामने. ठीक है, तो पॉन्ड में ही डक्स होती है, यानी सी पहले आएगा बी बाद में आएगा. सी बी का पेयर, सी बी का पेयर यहाँ है और यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है और यहाँ भी है ना. अब डी देखते हैं. वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क, एक बार मैं उसको पार्क में ले गई, पार्क में ले गई और फिर पार्क में ले जाके उसके चेयर को पार्क कर दिया पॉन्ड के सामने. समझ में आ गया, तो ए के साथ डी और डी के बाद सी बी का पेयर लगा देंगे, तो राइट आंसर 4 होगा और 1, 2, 3 नहीं होगा. जिस जिसका आंसर राइट हो गया है डी, वो जल्दी से क्या करेंगे, थम्स अप कर दो क्विकली क्विकली, और जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो प्लीज़ 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 सेशन को लाइक ज़रूर कर दें. अच्छा सेशन है, आप लोगों के लिए लाई गई एक कोशिश है, ताकि आप लगातार रोज कोशिश करें और रोज अपनी सफलताओं के लिए एक एक कदम आगे बढ़ें, ताकि आपकी आपका आखिरी जो मील होगा वो हम साथ चढ़ेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको आराम से आंसर करिए. किससे स्टार्ट हो रहा है, ए बी ए से स्टार्ट हो रहा है, दो ऑप्शन में एक के बाद सी आएगा, एक में डी और एक में बी. ए पढ़ लेते हैं. स्प्रेड बटर ऑन टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड अच्छा अच्छा ये सैंडविच बनाना है, जिस जिसको आ जाएगा सैंडविच बनाएंगे इसके बाद और फिर हमें खिलाएंगे भी, है ना. सिर्फ पढ़ना और सीखना नहीं है, यहाँ पर सीखना है, अप्लाई करना है और खिलाना भी है सैंडविच बना के. ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, स्प्रेड बटर ऑन टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की दो स्लाइसों पे सबसे पहले क्या करना है, बटर स्प्रेड कर देना है, यहाँ पे बटर लगा देना पहले. देन अरेंज द टोमेटोज ओवर द कुकुम्बर्स, उसके बाद कुकुम्बर के ऊपर टोमेटोज रखना है, तो कुकुम्बर तो आए ही नहीं, तो नेक्स्ट में देखो, अरेंज कुकुम्बर पीसेज ऑन वन स्लाइस ऑफ द बटर्ड ब्रेड, बटर लगी हुई कि ब्रेड के एक ऊपर स्लाइड पे कुकुम्बर रखते जाइए, ऐसे यहाँ पर बोला गया है. ठीक है, रख दिया कुकुम्बर. अब क्या बोला गया था अभी अभी कि उसके बाद अरेंज द टोमेटोज ओवर कुकुम्बर, अब टोमेटोज रख दो कुकुम्बर के ऊपर, है ना, ऐसे करके. चलिए सैंडविच आ जा हमारा पूरा बन जाएगा. और स्प्रिंकल सॉल्ट एंड पेपर, ऊपर से स्प्रिंकल करना है, यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर है ना, ऊपर से डालना है, छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है. तो ये हो गया हमारा स्प्रिंकल. और उसके बाद क्या करना है, प्लेस द अदर स्लाइस, अब इसको इसके ऊपर रखना है. ये तो बोर्ड है, रख नहीं पाएंगे, आप लोगों को समझ में आ गया, बनाइए और भाई गिफ्ट के रूप में आप हमें सेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया,
ए फिर सी का पेयर बन गया है, ए सी का पेयर यहाँ भी है यहाँ भी है, कट कर दो दोनों को, और उसके बाद तो स्प्रिंकल तो लास्ट में करना है, तो बी आएगा, तो ए सी के बाद बी ये रहा, और डी में तो स्प्रिंकल है, लास्ट में डी आएगा, तो राइट आंसर हमारा ए सी बी डी हो गया, जिस जिसका बन गया है पहले ही, पहले सिखा चुकी हूँ मैं नाना। कई बार इसमें केक बनाना भी आ जाता है, कई बार इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग बनाते ही नहीं हो, ट्राई नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करते हो बना बना के, करना नहीं चाहिए क्या? यहाँ खड़े होके पढ़ाने के साथ साथ सैंडविच बनाना सिखा दिया, खड़े खड़े खीर बनाना सिखाया मैंने यहाँ पे खड़े खड़े, आप लोगों को भेजना चाहिए, आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए रियली। चलिए अगला वाला, एक मिनट ये दिख नहीं रहा शायद लास्ट में, बन गया यहाँ पे सैंडविच किसी का और किसी ने भेज भी दिया, वेरी गुड, खूब सारे बना दिए, जितने लोग देख रहे हैं वो सब थैंक यू बोल दीजिए अतुल को, एक एक अपना पीस उठा लीजिए और खा लीजिएगा आफ्टर द सेशन, वरना वर्ड्स निकलेंगे, यार बर्गर बना दिया इसने तो, शायद बर्गर नहीं बनाना है सैंडविच बनाना है भाई अरुण, सैंडविच बनाना सिखाया मैंने, है ना, सैंडविच बनाओ। चलो ये रहा, वी यूज टू प्राइड आर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, खूब पे खूब घमंड था हमें कि हम एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही ए से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे, नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन अ ग्लेयर ऑफ द सन, हम में से कोई भी इसको देख नहीं पाया, इट की बात है, कौन इट नहीं आया अभी तक, ए के बाद बी नहीं आएगा, अगर आया है तो कट कर देंगे, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बहुत आसान, अब इसमें लिखा हुआ हाउ एवर विदाउट इवन अ ग्लांस द प्रोफेसर अनाउंस दैट इट वॉज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, बिना किसी देखे हुए भी उन्होंने बता दिया कि ये वाला प्लेन था, पर ऐसा भी कुछ नहीं है, ए के बाद सी भी नहीं आएगा, बचा क्या डी, राइट आंसर हमारा ए डी हो जाएगा, तो ए डी का पेयर एक में ही है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ए डी बी सी सबका सही होना चाहिए, बोनस टाइप क्वेश्चन है, एकदम आसान है, बी सी का कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ए से कोई पहचान कोई लिंक है ही नहीं, तो ए के बाद डी आएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए डी है ना, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑलरेडी हम लोग काट चुके हैं, जिस जिसका सही है इस पे थम्स अप जरूर करें, देखें कितने लोगों के सही है, क्विकली थम्स अप कर दीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, और नंबर 20 जो हमारा है क्या करना है इसको, नंबर 20 को करना है सॉल्व, आप लोगों को आपका समय शुरू होता है अब, क्विकली कर लीजिए नंबर 20 को फटाफट से, फटाफट स्पीड बढ़ाइए नंबर 20 के लिए, सबका आंसर आना चाहिए 20 को, देखो सब में ए ऑप्शन स्टार्टिंग है, नॉट लॉन्ग आफ्टर आर टॉर्टोइज वॉज टेकन अवे वी गॉट अनादर पेट, नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज्यादा दिन बाद नहीं मतलब थोड़े ही दिन बाद, जैसे ही हमारा टॉर्टोइज हमसे लिया गया, वी गॉट अनादर पेट, हमें दूसरा पेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद ही वॉज स्टिल वेरी यंग एंड हैड टू बी फेड ऑन ब्रेड एंड मिल्क, वो बहुत यंग था, उसको ब्रेड एंड मिल्क खिलाया जाता था, लिविंग विद अस, हमारे साथ रहते हुए उसने ये विश्वास कर लिया, इसने ही स्टार्टेड टू बिलीव, उसने ये मानना शुरू कर दिया, ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल, उसको लगा ही नहीं कि वो बर्ड है, ह्यूमन के साथ रहता था, ये दोनों में तो पेयर है पर इनका इन दोनों से अभी कोई कनेक्शन नहीं है, दिस टाइम इट वॉज अ पिजन, इट वॉज अ पिजन, तो राइट आंसर क्या होगा, ए के साथ डी आएगा, क्या आएगा, ए के साथ डी आएगा, तो ए के साथ डी लगाओ, आंसर पाओ, ए के साथ डी, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, राइट आंसर ए डी बी सी, एक ही ऑप्शन है, ये भी वही बोनस वाला है, तो मैं चाहूंगी आप सब जल्दी जल्दी इसको भी थम्स अप करें कि किस किस का सही है, ठीक है। चलिए जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है वो जरूर जरूर से लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है, जल्दी जल्दी से 14 क्वेश्चन चेक करना, अभी कर लेते हैं ना, पहले कर लेते हैं, चलो पहले हम लोग 14 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। ये वाला 14, ये तो 12 है, ये मैंने करवाया नहीं, ये होगा 14, ये 13 है, ये है 14, ओके चलो, क्या प्रॉब्लम था इसमें, चलिए 14 आपके सामने है, फिर से कर लीजिए 14 को, ये रहा द ऑनियन की बात कर रहे हैं कि ऑनियन क्या है, हटा देती हूं एक बार लिखा हुआ सारा,
ओह ये तो गलत ही हो गया। देखिए गाइस अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम डाउट हो सकता है। डी से स्टार्टिंग है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, है ना। डी से स्टार्टिंग है, सब देख लीजिए। डी सी बी ए बोल रहे हैं, ओके। देखो डी से स्टार्टिंग है, ये तो समझ में आ रहा है कि ऑनियन जो है, ऑनियन की बात हो रही है, ये रहा ठीक है। इनिशियली उनका बिगिनिंग यहाँ से हुआ, तो डी सी का पेयर है ये 100% श्योर है। तो ये दो ऑप्शंस तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं। अब डी सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा या ए आएगा। देखो दो दे आर लो इन न्यूट्रंस, हालांकि वो न्यूट्रंस में लो हैं, दे आर वैल्यूड फॉर देयर फ्लेवर। उनका वैल्यू क्यों किया जाता है, उनके फ्लेवर के कारण। एंड आर यूज वाइडली इन कुकिंग, और बहुत ज़्यादा कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वैल्यू देते हैं फ्लेवर में। दे एड फ्लेवर टू सच डिशेज, अरे बेटा ये बाद में ही तो आएगा, वो इस कुछ इस प्रकार के यू नो फूड को फ्लेवर देते हैं, जैसे कि स्ट्यू, रोस्ट, सूप एंड सैलड्स, एंड आर ऑल्सो सर्व्ड एज अ कुक्ड वेजिटेबल, और कुक्ड वेजिटेबल के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई पहले ए आएगा और उसके बाद बी आएगा ना, इसमें पहले ए आएगा और उसके बाद बी आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया ए में कि भाई लो है, न्यूट्रन वाइज तो नहीं हुआ लेकिन लो है, लेकिन उसमें फ्लेवर उनको दिया जाता है। और फ्लेवर कहाँ कहाँ देते हैं, स्टू बनाने में, रोस्ट बनाने में, सूप बनाने में, सॉलिड सैलड्स में भी, एंड इवन उनको कुक फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी बी ए बी का पेयर होगा, है ना। तो ए बी का पेयर इस वाले में है, तो राइट आंसर ये होगा और ये नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन मैंने जो छुड़वाया था ना, वो मैं आप लोगों को दोबारा से करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ो गाइस, ये मैंने इसलिए छुड़वा दिया था, ये क्या हुआ, क्या ये दिख पा रहा है? अगर दिख पा रहा होगा तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन अगर दिखाई दे रही है तो प्लीज बता दीजिए मुझे कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है थैंक यू एवरीबॉडी। चलो ये क्वेश्चन देखो, प्रदीप सांगवान हैज बीन फॉन्ड ऑफ ट्रैकिंग इन द हिमालयस फॉर ईयर। प्रदीप सांगवान जो थे वो काफी ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड थे ईयर्स तक। ए से शुरू हो रहा है तो ए हमने पढ़ लिया, अब ए के बाद क्या आएगा, डी या बी या सी। ओके, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन ही टुक जस्ट वन ट्रैक इन 2019 एंड फेल इन लव विद द हिमालयस। ये तब शुरू हुआ कि जब उन्होंने पहली बार एक ट्रैकिंग के लिए गए थे 2009 में, और उसी समय से ही फेल इन लव विद द हिमालयस, हिमालय से उनको पक्का वाला प्यार हो गया था। ही फॉल इन लव विद द हिमालयस ये बोला जा रहा है। तो ये कब स्टार्ट हुआ ये बताया गया। तो ए बी का पेयर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो ए बी का पेयर तो दिख रहा है, ए बी का पेयर यहाँ पर ए ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ए बी डी सी इसका आंसर हो जाए। पर अभी और पढ़ लेते हैं, ए बी के बाद डी है तो डी भी पढ़ लेते हैं। एट द एज ऑफ 33 हिज लव अफेयर, कौन सा लव अफेयर, जो इनका हिमालय से हुआ था उस लव अफेयर की यहाँ पे बात हो रही है, कि उनका जो लव अफेयर था सॉ हिम ट्रैक एन एवरेज ऑफ 2000 किलोमीटर अ ईयर एंड ही एंजॉय। तो ए बी के साथ डी भी आ रहा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही होगा, ए बी डी सी इसका राइट आंसर होगा। सबका क्या है, डी सी का पेयर बन रहा है, राइट, बिल्कुल सही है। बी डी का भी पेयर बन रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर लव की बात हो रही है, यहाँ पे लव अफेयर की बात हो रही है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है लव का लव अफेयर से। आप सब जानते हैं लव और लव अफेयर के बारे में तो कुछ बात छुपी है नहीं आपसे। तो बी का सीधा सीधा कनेक्शन डी से है, और बी डी का कनेक्शन होने के साथ ये पेयर हमारे काम आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और इस वाले में है, लेकिन ए का बी से कनेक्शन है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। तो राइट आंसर ए बी डी हो जाएगा इसका सीधे सीधे, ठीक है, ए बी डी, ए का बी से कनेक्शन है और बी का डी से कनेक्शन है। ए बी डी इज द राइट वन एंड नॉट द अदर वन, ए बी डी इज राइट वन बेटा, ध्यान रखिए। ए का बी से कनेक्शन है, ए का पेयर बी से है, फर्स्ट पेयर, बी का पेयर डी से है सेकंड पेयर, और डी का सी से होगा, हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। चलिए तो ए बी बी डी डी सी ये तीन पेयर है और ए बी का पेयर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ये तो डी पॉइंट है। अच्छा ये छुड़वाया था मैंने, देखिए है ना, ये देखिएगा,
पर ऑप्शन सामने नहीं है ना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा. चल छोड़िए इसको, ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा है. ये देखिएगा, पढ़िए. द आइफिल टॉवर वॉज इरेक्टेड इन 1889 एंड इज नाउ द सिंबल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस. आइफिल टॉवर जो है उसको इरेक्ट किया गया था, खड़ा किया गया था, है ना, बनाया गया था. आई एम एक्सपर्ट टू लुक इन टू लव. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आई एम एक्सपर्ट टू लुक इन टू लव. वॉट डज इट मीन? ओके सचिन, तो भाई ऐसा है, मैं नहीं बता रही हूँ, अभी आप पढ़िए इसको पूरा. और ये सबके लिए टेस्ट है, 21 क्वेश्चन नंबर इज अ टेस्ट टू एवरीवन. जल्दी से करो. हाँ, अगली क्लास का टाइम हो गया, बिल्कुल सही बात है. क्या बच गया? 57 हुआ है ना, 6 o'clock वो आएंगे. चलो इसका आंसर करो. चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग उसमें करेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना. मैं वेट करूंगी क्वेश्चन नंबर 21 का तुरंत से. अभी अगर आंसर आया तो 21 का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए सभी लोग, ठीक है. और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये भी बताना है, ये भी बताना है कि कौन सा टॉपिक पे लॉन्ग सेशन अब नेक्स्ट आप लोगों को चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. होली की छुट्टी है, परसों भी क्लास नहीं होगी, संडे है परसों, और मंडे को क्लास आप लोगों की नहीं होगी. बहुत चांसेस है कि कल भी क्लासेस नहीं होंगी, इसलिए मैं आप लोगों को अभी ही बता रही हूँ, ठीक है. आंसर कर दीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं है, कमेंट बॉक्स में देखेंगे इसको. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आफ्टर होली, तब तक के लिए टेक केयर. कल सुबह की क्लासेस होंगी, उसके अलावा शाम को क्लासेस नहीं हो पाएंगी. टीम को भी गांव जाना है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि लोग गांव जाते हैं तो घर जाएंगे, इस समय होली का फेस्टिवल है तो नहीं मैनेज हो पाएगा, इसलिए कल क्लास नहीं होगी. मंडे को तो होली ही है, उसके अगले दिन क्लास होगी. तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच. अपना ध्यान रखें होली पे, बहुत ज़्यादा होली में, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है. रिवाइज कर लें, बहुत सारा पढ़ा हुआ है, बहुत सारा चैनल पे रखा हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. आज ही प्लान कर लीजिए अगले 3 दिन का शेड्यूल. होली खेलना चाहते हैं, होली खेलिए, 1-2 घंटे उसमें लगाइए. रंग उतारने वाला टाइम भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है. चलिए, बर्थडे की पार्टी ड्यू रहेगी, जब हम मिलेंगे तब आप पार्टी ज़रूर मिलेगी आप लोगों को. इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें, और पढ़ते ज़रूर रहें. नेक्स्ट ट्यूसडे को अब हम लोग मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.